यूपी विधानसभा में आज 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया है। बजट ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। बजट में शिक्षा क्षेत्र को भी बढ़िया एक्सपोजर दिया गया है और किन योजनाओं को क्या कुछ मिला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ब्याज उत्पादन की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का प्राविधान है। योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग विकास तथा सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 15 करोड़ 75 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने का लक्ष्य था। नीति को अधिक युक्त संगत बनाते हुए 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा लगभग 3 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के 210 संभावित निवेशकों से लगभग 3867 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 2.15 लाख व्यक्तियों हेतु रोजगार संभावनाओं युक्त अभिरुचियां प्राप्त हुई हैं। बेसिक शिक्षा छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म स्वेटर स्कूल बैग जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के 2 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। बनटांगिया गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आईसीटी लैब की व्यवस्था किए जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 516.64 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सैनिक स्कूल गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवीपाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश के में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है,
75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अब स्थापना की प्रक्रिया में है, जिन्हें निकट भविष्य में पीपीपी मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1874 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। AKTU द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के अंतर्गत एक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत 15 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हैं। उक्त के साथ साथ 265 स्टार्टअप ऑन बोर्ड हो गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था हेतु $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। वर्तमान में माध्यमिक स्तर के 804 राजकीय एवं 729 सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रवीण योजना अंतर्गत 301 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है। युवाओं को दीर्घकालीन व अल्पकालीन रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन तथा असेवित क्षेत्रों में नवीन केंद्रों की निजी संस्थाओं की भागीदारी के साथ स्थापना भी की जा रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी कौशल आधारित पाठ्यक्रम BBA रिटेल, BBA लॉजिस्टिक्स, BBA हेल्थ केयर, BBA टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी के लिए 113 महाविद्यालयों का चयन किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक या वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा माध्यमिक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यावसायिक शिक्षा योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्यालयों को हब एवं एपोक्स मॉडल के रूप में विकसित करते हुए स्थानीय मांग एवं ODOP के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों को जॉब रोल सेक्टर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एवं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की योजना है। इसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण करने पर UP बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा में प्रमाण पत्र प्रदत्त किए जाने पर बल दिया जाएगा। विद्यार्थियों को प्राप्त किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण के क्रेडिट उनके क्रेडिट बैंक के में सम्मिलित किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को रोजगार के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षों का निर्माण अंतिम चरण में गतिमान है। प्रदेश के अन्य ऐसे अवशेष 69 संस्थान जहां कम से कम 5000 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है का उन्नयन वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 818.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मानदेय 1.50 लाख रुपए प्रति माह पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध किए जाने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापनाओं के विकास हेतु 195 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 67% अधिक है। प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना हेतु 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थकार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तक के मार्ग के विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण के पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के दृष्टिगत पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत 3 पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण का कार्य एवं 6 स्थानों पर पार्किंग तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है। जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खो मंदिर को जोड़ने वाले त्रिकोण संरेखा में आने वाले परिक्रमा मार्गों एवं जन सुविधाओं के उन्नयन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संस्कृति महाकुंभ 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज गोवा सांस्कृतिक केंद्र संघ बेरपुर की स्थापना हेतु
14.68 करोड़ रुपए जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु, 11.79 करोड़ रुपए तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पर्यटन, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37.90 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37.77 करोड़ एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13,43,000। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन बृहद स्तर पर किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गौमुखेश्वर, शुक्र तीर्थ धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। माननीय, भारत की संस्कृति धार्मिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक रूप से अत्यंत समृद्ध रही है। दुनिया के लिए यह एक आश्चर्य का विषय रहा है कि इतनी प्राचीन संस्कृति सदियों तक बाहरी आक्रमणों के बावजूद किस प्रकार अभी भी अविच्छिन्न बनी हुई है। ये उनके लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है, परंतु हमारे लिए ये एक जीवन शैली है। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे सांस्कृतिक धरोहरों की अनदेखी की, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक धारा अधिक प्रवाहमयी हो रही है। बहुत चर्चित है मान्यवर, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।